In the given figure, at which points on the line joining the charges will the electric potential be zero? Okay. तो देखिए बच्चों, हमको ये क्वेश्चन दे दिया है कि दो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस थ्री क्यू, कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा चुके हैं, मैंने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी छोटे वाले चार्ज के पास और दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बाहर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सोचनी होती तो यहाँ कहीं जीरो होती, लेकिन चूंकि पूछा गया पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, तो पोटेंशियल बच्चों कई सारे पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है, ठीक है। बट हम यहां पर केवल उन पॉइंट्स को निकालेंगे जो लाइन ज्वाइनिंग पर होंगी, ठीक है। मतलब एक पॉइंट यहां कहीं होगा छोटे वाले चार्ज के पास, एक पॉइंट कहीं यहां होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम फाइंड कर देंगे कि यहां पोटेंशियल जीरो होगा कहां पे, किस जगह पे, इससे क्या डिस्टेंस होगी, फिर इधर कहां जीरो हो सकता है। ये दो पॉइंट हम फाइंड करेंगे, जबकि मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहां भी जीरो हो सकता है, यहां 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 बहुत सारे पॉइंट में जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पे दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस में, वही जीरो हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक पॉइंट पे जीरो मिलती थी ऐसे क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वहां पर दोनों के वैल्यू इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तो वहां वो जो अपोजिट वाला केस था वो केवल एक पॉइंट पे मिलता था। इसीलिए याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जीरो पूछी जाएगी तो केवल एक पॉइंट मिलेगा, पोटेंशियल में बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपसे कहें कि लाइन ज्वाइनिंग पे कौन कौन सा पॉइंट है, तो एक यहां निकालेंगे और एक इधर निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम बीच वाला पॉइंट निकालते हैं कि यहां पे कहां पोटेंशियल जीरो होगा। हम बच्चों सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट की का जो नाम है वो पी है, ये पहले वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। तो अगर ये पहले वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पर है तो दूसरे चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ये तो सीधी सी बात है, पूरी दूरी तो 1 मीटर थी, आर इधर निकल गया तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 1 माइनस आर, ये बच गई, ठीक है। बच्चों हम क्या कहेंगे कि पहले वाले चार्ज को नाम देते हैं Q1 और दूसरे को नाम देते हैं Q2। हमको इस P पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड करना है प्लस Q से, जहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो भाई कोई Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल, फार्मूला क्या होता है, 1/4π0Q/R, ठीक है। यानी कि यहां पे आ जाएगा V1=1/4π0Q/R। अब लिखेंगे बच्चों क्यू, क्यों लिखा, क्योंकि Q1/R आना चाहिए था, है ना, तो Q1/ ये डिस्टेंस ये आ गया। अब लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू टू, दूसरे चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब सोचो, अब लिखा जाएगा V2=1/4π0 क्यू, तो यहां पे क्यू टू आएगा, क्यू टू का मतलब -3Q/R, ये डिस्टेंस वहां आर का काम करेगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 1 माइनस आर, कितनी है बच्चों, 1 माइनस आर। सो नेट पोटेंशियल एट पी, भाई नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, V=V1+V2, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नेट पोटेंशियल का एक ही फार्मूला है V1+V2, कोई डायरेक्शन का चक्कर होता नहीं जो हम ला पैलोग्राम का यूज करेंगे। तो बच्चों सिंपल सा एक ये, क्योंकि ये V क्या है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ऐसा आया, ठीक है। तो V इतना आ गया, तो V=2 क्या हो गया, V1+V2, और ये आंसर होना कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जीरो होना चाहिए।
मतलब V1 बराबर होना चाहिए माइनस V2 के। तो V1 की वैल्यू रखो पहले क्या है, 1/4πε0 q/r बराबर माइनस V2। V2 की वैल्यू देखो ये, तो ये माइनस बाहर लग जाएगा, -3q/4πε0 1 r। ठीक है बच्चों, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, q से q क्या हो गया, कैंसिल, 1/4πε0 से 1/4πε0 पूरा कैंसिल। तो इधर बचा बच्चों 1/r, उधर क्या बचा 3/1 r। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा देखो 1 r का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 r, उधर ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 3 r। इसका मतलब 4r = 1 या r = 1/4 meter या 25 cm। तो बच्चों ये तो पॉइंट हो गया इन दोनों के बीच में, मतलब प्लस क्यू चार्ज से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम सोचेंगे कि इसके इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे बाहर कहाँ पोटेंशियल 0 होगा, ये सोचो बच्चों। ये पहला आंसर हो गया। अच्छा अब बात ये है बच्चों, भाई मान लेते हैं कि ये दो चार्ज हैं, जैसे ये क्यू है और ये क्या है बच्चों, ये है -3q। ये एक दूसरे से 1 meter की डिस्टेंस पर है। ठीक, हमसे कहा जा रहा है कि इनको जोड़ने वाली लाइन पे, तो इधर बच्चों यहां हमको सोचना, बाहर अंदर वाला तुम निकाल चुके हैं, कहां पोटेंशियल 0 होगा। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है जहां पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये एक्स हो, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 + x। तो बच्चों अब पहला चार्ज हो गया Q1, तो दूसरा चार्ज यहां से हो जाएगा, ये दूसरे चार्ज की डिस्टेंस 1 + x, तो ये Q2। तो अगर ये Q1 है तो ये R1 का काम करेगा इससे डिस्टेंस, ये Q2 है तो इससे डिस्टेंस का काम करेगा ये, यानी कि ये R2 का काम करेगा। ठीक है अब फिर हम वही काम करेंगे, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर नेट पोटेंशियल निकालेंगे, उसको 0 दिखा देंगे, वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा बच्चों 1/4πε0 q1/r1। q1 की वैल्यू कितनी है q, r1 की वैल्यू कितनी है बच्चों x, q/x। फिर लिखेंगे यहां पे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू Q2, Q2 से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों V2 = 1/4πε0 Q2/r2। तो Q2 कितना है बच्चों, -3Q/r2, r2 वैल्यू कितनी है 1 + x। ठीक है सो नेट पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, V = V1 + V2, और ये कितना होना चाहिए 0। 0 होने का मतलब है कि V1 = -V2। फिर वही बात, V1 की वैल्यू रख दो 1/4πε0 q/x -V2। V2 की वैल्यू देखो माइनस का, ठीक है 1/4πε0 3q/1 + x। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कटेंगे, क्यू से क्यू कटेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इधर बचा बच्चों तुम्हारे पास 1/x, उधर क्या बचा 3/1 + x। इससे पता चला अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 1 + x = 3x। जब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 + x = 3x, ये उधर जाएगा घट जाएगा, यानी कि बचेगा 1 = 2x
या x इजिक्वल टू 1/2 मीटर या x इजिक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनको मिलाने वाली लाइन पे q से बाहर इस साइड 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जीरो मिलेगा। देखिए बच्चों, इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के साथ साथ आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पोटेंशियल बीच में कहाँ होगा या इनको जोड़ने वाली लाइन बाहर कहाँ होगा, इसका आप शॉर्टकट फार्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे R निकालना है, मतलब बीच में कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, तो बिटवीन चार्ज के लिए क्या फार्मूला होता है शॉर्टकट का, मैं बता दूं। ये कहीं भी आप यूज करेंगे, डायरेक्ट आप इनके बीच की जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। तो R बराबर बच्चों फार्मूला होता है Q1। Q1 का मतलब वो चार्ज जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है, ध्यान रखना, वो चार्ज जहां से डिस्टेंस निकालनी है, अपान Q1 प्लस Q2। लेकिन मैग्नीट्यूड जोड़ना है, प्लस माइनस के हिसाब से ना जोड़ देना भैया, पहले बता रहा हूं। इनटू L, L मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, Q1 की वैल्यू Q अपान Q1 फिर से Q प्लस Q2। तो हमने बोला ना मैग्नीट्यूड रखते हैं इसका, मैग्नीट्यूड का मतलब 3Q इंटू L, L की वैल्यू 1 मीटर। तो R की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, Q अपान 4Q यानी कि आंसर आएगा 1/4 मीटर या R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा निकालना होगा, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर के लिए यही पॉइंट निकालना हो तो हमारा शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा, तो सोचो इतनी सारी कैलकुलेशन से बच के आप इतने में इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब बाहर के लिए बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स निकालना है। तो देखिए हम इतना हटा दें बच्चों, इतने में ही आ जाएगा बस, तो बाहर के लिए पॉइंट के लिए फार्मूला होता है बच्चों एक्स इज इक्वल टू, ये बाहर वाला पॉइंट है ना, इसको एक्स माना, एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, यहां लिखेंगे फार आउटसाइड। ठीक है, क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू Q1 अपान Q2 माइनस Q1, बड़े में छोटे को घटा दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर वो चार्ज जिससे डिस्टेंस निकालनी, जैसे Q1 से निकालना है तो Q1, अभी अगर Q2 से निकालना होता तो ऊपर Q2 रख देते, तब Q2 से आंसर आ जाता, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस वैल्यू पुट करो, Q1 Q, Q2 3Q माइनस Q1 फिर Q इनटू L की वैल्यू 1, तो क्या आएगा Q अपान 2Q या x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर का हो चाहे 50 सेंटीमीटर का हो, तो ये आ गया। तो सोचो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ना करके बिटवीन चार्ज के लिए ये फार्मूला और आउटसाइड के लिए ये फार्मूला यूज करके आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।